हेलो फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है, आप कम डालना चाहें तो कम डाल सकते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो मैंने कट कर ली है, वो डाल दूँगी और इसे फ्राई करूँगी। प्याज फ्राई हो चुकी है, इसे बाहर निकाल लूँगी। ये प्याज मैंने बाहर निकाल ली है। अब ये कुछ खड़े मसाले हैं, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक जावित्री, दो लौंग, चार काली मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा है, एक बेलीव है और इसको इसमें डाल दूँगी। वन टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और इसको चलाऊंगी। आधा किलो मैंने चिकन लिया था, इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, ये इसमें डाल दूंगी। और इसे चलाते हुए फ्राई करूंगी। अब इसमें कुछ मसाले डालूंगी, नमक स्वाद के अनुसार, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर दो टेबल स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, एक टीस्पून गरम मसाला, इसमें से दो पिंच मैंने बचा लिया है वो बाद में डालूंगी और इसे चलाऊंगी। दो पिंच नटमेग पाउडर, 50 ग्राम दही डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। वन टेबल स्पून कोकोनट पाउडर डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी और फिर इसको भूनूंगी। चिकन भुन गया है, ये देखिए इसका मसाला इस तरह का होना चाहिए। इसको चलाते हुए भूना है मैंने। अब इसमें हाफ कप पानी डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। अब इसे कवर कर दूंगी। ये मैंने कवर कर दिया है। अब इसमें एक विसल आने दूंगी, उसके बाद 10 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। उसके बाद चेक करूंगी, 10 मिनट हो गई है, चिकन भी हमारा अच्छे से पक गया है। दो पिंच गरम मसाला मैंने बचा लिया था वो डाल दूंगी और फ्राइड अनियन मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर ली थी वो डाल दूंगी और इसे मिक्स करूंगी। ये मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे कवर करके 10 से 15 मिनट तक रख दूंगी और उसके बाद खोलूंगी और फिर डिश आउट करूंगी। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसे खोलूंगी। तो तैयार है हमारा टेस्टी टेस्टी चिकन कोरमा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।